जितनी अहमियत इल्म की इस्लाम में है किसी और दीन में है नहीं। क्यों? इस दीन की पहली जो वही आई वो कौन सी वही थी? इकरा। उसमें क्या कहा गया? इकरा पढ़ो। ये नहीं कहा गया रोजा रखो, जकात दो, हज करो, ये नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? पढ़ो। ये इल्म दीन की अहमियत के लिए बहुत वाजे दलील है। इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, यानी आसमान से जो वही पहले नंबर पे आती है उसमें क्या कहा जाता है? पढ़ो। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक इल्म नहीं हासिल करेगा तब तक उसके अंदर बसीरत नहीं पैदा होगी। दौलत तो हासिल करने वाले बहुत हैं, माल हासिल करने वाले बहुत हैं, शोहरत हासिल करने वाले बहुत हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी नेमत है कि इसके जरिए इंसान के दिल के अंदर बसीरत पैदा होती है। बसीरत जानते हैं? गहराई, समझदारी। जैसे कि मिसाल दी जाती है, जैसे कि कोई किताब लिखे और उसके अंदर जो हरूफ होते हैं वो काली स्याही से लिखे जाते हैं, तो लोग मिसाल देते हैं ना, देहाती मिसाल देते हैं, काले हरूफ भैंस की तरह होते हैं, समझे ना? ये एक थोड़ा भोटा लगता है लेकिन हकीकत है ये। जो भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, आप ये नोट्स उसको दे दो तो क्या बोलेगा? भैंस की तरह काले काले हैं, क्योंकि भैंस काली होती है ना आमतौर से। तो एक देहाती मिसाल है लेकिन ये अपनी जगह फिट है। इल्म एक रोशनी का नाम है। मिसाल एक है, जैसे कि आमतौर से जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना वो हर जगह भटकते हैं। स्टेशन पे जाएंगे, कौन सी गाड़ी है, लोगों से पूछेंगे। किसी जगह रास्ता भूल जाएंगे, बोर्ड पे क्या लिखा है, लोगों से पूछेंगे, समझ रहे हैं ना? टिकट काउंटर कहाँ है, लोगों से पूछेंगे। और जो पढ़ा है उसकी निगाह जहां भी पड़ती है उसको रोशनी नजर आती है। गाड़ी पे देखा फला जगह जाने वाली है ना, जो है रास्ते में जो संग मील लगी है लिखा ये फला जगह रास्ता जाने वाला है, यहां से इतने किलोमीटर है, तो रोशनी है ना। वो इल्म जो आपने सीखा है उसको जैसे आप देखते हैं आपको रोशनी मिल जाती है ना, तो इल्म एक रोशनी का नाम है। इल्म के बगैर इंसान कभी कामयाब नहीं होता, और इल्म खास तौर से आखिरत के लिए बहुत ही जरूरी है।